किसी मंदिर पे पैसे का दान मत करना। कब तक कंप्लीट होगी? इसमें 2 साल लग गया। बड़ी कठिन है। कितने समय? राधे राधे भाई सारे ने। तो भाई भी गोवर्धन की तरफ चल पड़ेंगे, परिक्रमा करेंगे आज, ठीक है का? रात ने भी यार घना थक गया वैसे, पर ट्राई करेंगे 21 किलोमीटर की हैगी। मैं पूरा प्रोसेस दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे क्या, और कृष्ण जी की दुआ रही तो पूरी कंप्लीट भी करेंगे, करनी है जो, ठीक है का? राधे राधे भाई। ला भाई गोवर्धन आपका सतरदानी घाटी मंदिर है ये, बड़ी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ होगी लेफ्ट लेने के बाद, दिखाते हैं। राधे राधे भाई। इसने लगाया वो राधे राधे। इतना ज्यादा नहीं हो गया? चल सारे बोलो राधे राधे। देखो भैया आपका दान घाटी मंदिर, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी। जो बेल लगी ना चैन बड़ी परिक्रमा, यहाँ से इस तरफ जाके परिक्रमा स्टार्ट होती है। ये टोटल मिला के 21 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है बाकी। यहाँ से बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है, टोटल 11 किलोमीटर है। और ये देखो फॉरनर आ रहे हैं भक्ति। जो भगवान ने इंद्र को अपमान छोड़ो बात टाइम से ये परिक्रमा लगे, गिरिराज जी पर्वत उठाए और 7 दिन 7 रात यही नाय के पूजो हो पलवा के दिन, इन्हीं को प्रतीक पूजो जाए। ये टोटल पहले 11 किलोमीटर छोटी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये 12 किलोमीटर की। 12 है? अच्छा वो 9 किलोमीटर है। अच्छा वो 9 12 और 9 21 किलोमीटर। और ये बोल रहे थे कि जहाँ से शुरू करना वहीं खत्म करना है, तो यहीं पे वापस आना है। जाओगे हाँ हाँ 9 देते हुए 9 आ जाओगे, ठीक है का? और छोटी भी 7 की 7 हो जाएगी। किसी मंदिर पे पैसे का दान मत करना। पैसे का दान नहीं, गोपाल जी देते हैं लेते नहीं है, ठीक है? दो चार झाड़ू डालिए परिक्रमा मंदिर की सफाई हो, रोग दोष कटे विघ्न कटे जो भागवत कथा में कहे। हाँ हाँ। आपके भाई पंडित जी ने बताया कि देखो यहाँ से झाड़ू ले लो, जो भी आपके घर में दोष हो, मतलब एक आस्था वाली बात है कि पैसे दान मत करो, यहाँ से लो वहाँ रख दो, थोड़ी सी झाड़ू मारो ताकि साफ सफाई भी रहे। ये अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब अच्छा है ये, साफ सफाई भी हो जाए। और देखो ये आंटी जी ने लिए, ठीक है? अब ये 7 बार पंडित जी कहने से नीचे जमीन में मार के थोड़ा सा साफ करके वहाँ दान कर देगी ये। अब करते हैं राधे राधे भाई। तो यहाँ तक परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं, ये देख लो। राधे राधे बोलो। राधे राधे। ठीक है, परिक्रमा स्टार्ट यहाँ से हो रही है ना? यहाँ से शुरू। ठीक है, आशीर्वाद दे दो बस। साल फिर चलो, ठीक है बाबा की जय हो बाबा। ले भाई राधे राधे का नाम लेकर चल पड़े हम भी। जय बाबा की। कॉर्नर है, ठीक है, ये परिक्रमा कर रहे हैं। भक्ति भाव चीज ऐसी यार, सब कुछ छोड़ के देखो भक्ति। ये देखो भाई दाहिने हाथ की तरफ है जो है गिरिराज जी महाराज है, और इन्होंने कहा है कि जैसे कि किसी को मतलब कुछ टॉयलेट वगैरह जाना तो दाहिनी तरफ ना करके बाएं तरफ करे, क्योंकि गिरिराज जी महाराज उस तरफ है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओ बाबा जय बजरंगबली महाराज जी की जय हो। ये देखो भाई परिक्रमा के लिए साइड में कच्चा रास्ता बनाया है ताकि ट्रैफिक वगैरह या कोई दिक्कत ना हो, किसी को आराम से परिक्रमा पूरी कर सके। बालाजी महाराज भी दर्शन दे रहे बैठे हैं भाई। अब ये यहाँ से चलेगी भाई राधे, परिक्रमा चले दंडवत परिक्रमा चल जाएगी। ये देखो भाई बड़ी क्रमिया के 700 मीटर संपन्न हो गए शेष, 10.3 किलोमीटर बच गया भाई। चलो ये देखो भाई एक भक्ति भाव और में कृष्ण जी के में, ये देखो ये ऐसी परिक्रमा। कब तक पूरी होगी बाबा ये? 2022 जनवरी है। अच्छा 2022 जनवरी से शुरू की है। हाँ, और वो वाली परिक्रमा हो गई। अच्छा वो हो गई, अब ये कब तक कंप्लीट होगी? इसमें 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे। अच्छा 2.5 साल लग जाएंगे, अब ऐसे ही चलते रहोगे हैं? ठीक है बाबा राधे राधे। देख रहे हो भाई भक्ति से बड़ा कोई भाव नहीं होता, 2.5 साल लग जाएंगे इसको पूरा करने में, और प्रेमी मिलेंगे आपको भगत जन दिखाते हैं। राधे राधे। देखो 15 दशावधानी देखो कितने छिकमा 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 छिकमा।
परिक्रमा कर रहे हो इसको? कौन सी लेट कर परिक्रमा? लेट कर। और ये माला, माला का क्या माला है, झूठी है। अच्छा, जैसे ही लेटते हो आगे रखते हो कुछ? अच्छा, बड़ी कठिन है। कितने समय में पूरी होगी? कोई पता नहीं। राधे राधे। 4.2 कर चुके हैं भाई। देखो भाई, गोवर्धन परिक्रमा का कुछ हिस्सा राजस्थान की कुछ मतलब सीमा में भी लगता है। यहाँ लिख रहा राजस्थान सीमा प्रारंभ हैगा। गौरवशाली राजस्थान में आपका स्वागत है। तो अब हम घुस चुके हैंगे राजस्थान की सीमा में, ठीक। और यहाँ से परिक्रमा अब आप तो यहाँ 7 किलोमीटर हो गए भाई, 7.2। अब तक तो भाई बिना बैठे कर दिया आयो पार, मतलब कि तो एक स्पीड में चल रहा हूँ, ना कि तो बैठा ना कुछ। आगे देखते हैं कितनी हिम्मत रहोगी, करेंगे। धूप ज़्यादा हो लगी। राधे राधे। ठीक है भाई, राधे राधे। भाई ये पत्थर नहीं था, ये इनके हिसाब से ये था गिरिराज जी, मतलब उनके हिसाब से मतलब रखते हैं पूछते हैं। ये देखो आगे एक और बाबा, ये पत्थर वाली है, मतलब एक एक करके पत्थर रखना आगे बढ़ते जाना, वो काफ़ी टाइम हो जाता। थक गए भाई, बिना रुके बिना बैठे पहली परिक्रमा कंप्लीट होगी, ठीक है। बड़ी परिक्रमा कंप्लीट, अब छोटी का रास्ता इस तरफ है। ये देख लो, ये जो आपका मेन स्टैंड है, ये रेस्टोरेंट देख लो, ये गोधर्मिष्ठान भंडार है, इतना बड़ा पूरा गोवर्धन करके। छोटे वाली के रास्ते में भाई ये देख मार्केट वाला रास्ता है, मार्केट है पूरी बड़ी। यहाँ चलने में दिक्कत हो थोड़ी बहुत, बाकी तो देखो भाई परिक्रमा का ये भी एक नया हिसाब है। वो बाबा सो रहे हैं वहाँ पे, वो कर रहे हैं, पढ़ लो। घाट है भाई, हो पहला घाट, ये माला खरीद ली भाई। ये है भाई श्री श्याम कुंड। एक किलोमीटर रह गया उस मंदिर से पहले, पहले ये आओ गिरिराज टेम्पल, ये देख लो। यहाँ दर्शन करने के बाद सीधा निकलना है, फिर बात बनेगी। फाइनली कंप्लीट तो होगी, थक गए। परली तरफ तो दर्शन करके यहाँ करके भाई निकल लिएंगे। अब ये रास्ता रहा, देखो अब जो एक किलोमीटर बच रहा है वो कंप्लीट करना है। ला भाई समाप्त होगी, बिना रुके तेरे भाई ने कंप्लीट कर दी सारी। जय गोवर्धन की भाई। देख लो परिक्रमा समाप्त, पूरे 21 किलोमीटर कंटिन्यू। 9 बजे स्टार्ट करी थी, ये 2 बज गए कंटिन्यू, इतना टाइम लग गया। अकेला हाँ पर की तो बैठा कौन है, चलता रहे आराम से, कदे नुआ पर चलता रहे। ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया, अंतिम द्वार भाई जी। यहाँ दूध चढ़ने के बाद कंप्लीट मानी जाती है भाई, ये दूध और ये प्रसाद कोई नहीं।